अंजुलिका जोशी जी, अभी आप आज की इस साधा जो उनका रहा आज का स्कूल, उसको किस तरह से आप डिकोड कर रहे हैं? देखिए रविंद्र जी, उनकी आदत है जुमलेबाजी करने की, और ये भी विशुद्ध जुमला ही हम कहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमेशा की तरह उन्होंने आज भी वही कहा कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अगर उसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि करा है। जब भी जब शुरू में वैक्सीन आई थी तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ तो अपने पास रखी। उनको अभी से पता है कि भारत की कितनी जनसंख्या है, कितनी वैक्सीन की जरूरत होगी। ये कहने से कि वैक्सीन का लोगों ने रेजिस्टेंस किया, उन्होंने मना किया कि हम नहीं कराएंगे, तो क्या इस तर्ज पे वो बाहर भेज देंगे वैक्सीन? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। उनको पता है कि भारत की क्या जनसंख्या है। उन्होंने क्यों, पहली बात, उन्होंने वैक्सीन बाहर भेजी ही क्यों? दूसरी बात, उनको तब ये अकल आई जब पता चला कि यहाँ पे इतना बवाल मच गया है। उन्होंने हर जगह टीका और टीकोत्सव उन्होंने अनाउंस कराया था, तो टीकोत्सव के लिए उनके पास कुछ रिसोर्स भी तो होना चाहिए, कुछ मटेरियल भी तो होना चाहिए था ना। जब था ही नहीं तो उनको टीकोत्सव कराना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद जब ये त्राही त्राही मच गई, तो पहली बार मुझे लगता है कि उन्होंने जनता को सुना, वो भी त्रस्त होकर के उन्होंने जनता की आवाज सुनी कि भाई मुझे वैक्सीन चाहिए। तब उन्होंने कुछ एक्शन लिया कि हाँ जी, हालांकि तभी भी पिछले एक महीने से मुझे तो उनकी कहीं पे आवाज सुनाई नहीं पड़ी। जब कोर्ट में उनको घसीटा गया, उनको डांट पड़ी, तब उनको समझ में आया कि अब तो हमें आना ही पड़ेगा। तो वही आनंद फानंद ने उन्होंने ये मन की बात फिर से शुरू की, और उन्होंने अचानक से ये बात दी कि हाँ भाई आज हम मन की बात करेंगे, तो उन्होंने ये मन की बात शुरू करी। अब ये वैक्सीन जो है, वो कह रहे हैं कि दो कंपनियां बना रही हैं और 7 कंपनियों को बोला गया है कि वो बनाएं और वो बनाएंगी। क्या आपको ये जुमला नहीं लगता? अभी तक उन्होंने जितने भी स्कीम्स निकाले हैं, जितनी भी योजनाएं ऐलान किया है, क्या एक भी योजना उसमें से पूर्ण रूप से सफल हुई है? हमें तो नहीं लगता। तो हम ये विशुद्ध राजनीति और विशुद्ध जुमलेबाजी ही इसको कहेंगे। जी, विशुद्ध जुमलेबाजी है।